हेलो, वेलकम बैक टू डिज़ाइन इंस्टीट्यूट। और आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ एक और फ्लोर प्लान जिसका साइज़ हमारा 24x36। जो इसकी फ्रंट है वो हमारी 24 फीट 6 इंच की है और जो इसकी डेप्थ है वो हमारी 36 फीट 10 इंच की है। इस प्लान को मैं आपको एक्सप्लेन करने से पहले बता देता हूँ, अगर आपको भी अपना नक्शा बनवाना है तो आप हमसे कॉन्टेक्ट कीजिए। जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी हम आपको फुलफ़िल करके आपको 48 आवर्स में आपको सेंड कर देते हैं आपका नक्शा। और हमारा स्टाफ आपके लिए बैठा हुआ है, आप हमसे कॉन्टेक्ट कीजिए। अब इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा मेन गेट है, हम यहाँ से एंट्री करते हैं। जैसे आप यहाँ से एंट्री करते हैं आपको सामने देखने को मिलता है पोर्च, जिसका साइज़ हमने दिया हुआ है यहाँ पर 12 फीट 2 इंच बाय 13 फीट 5.5 इंच का हमने पोर्च बनाया हुआ है। पोर्च आपका वो होता है जहाँ पर आपकी कार की पार्किंग या फिर आपकी बाइक की पार्किंग होती है। पोर्च से आगे आप जाते हैं तो आपको देखने को मिलता है स्टेयर केस, यहाँ से आप फर्स्ट फ्लोर पर चले जाएंगे जहाँ से आपका लिखा हुआ है अप। यहाँ से आपकी स्टेयर स्टार्ट होती हैं, ऐसे घूम कर आप फर्स्ट फ्लोर पर चले जाएंगे। पोर्च के बराबर में हमने बनाया हुआ है ड्राइंग रूम, जिसका डोर हमने यहाँ से 3.5 फीट का दे दिया है। इस ड्राइंग रूम का हमने साइज़ दिया हुआ है यहाँ पर 11 फीट 3 इंच बाय 9 फीट का हमने ड्राइंग रूम बनाया हुआ है। इसी के साथ आपको इस ड्राइंग रूम में देखने को मिलता है एक और डोर, यहाँ से भी इसका एंट्री आप कर सकते हैं। अब आप आगे चलते हैं तो आपको देखने को मिलती है लॉबी, जिसका साइज़ हमने दिया हुआ है यहाँ पर 9 फीट बाय 15 फीट 5 इंच की हमने ये लॉबी बनाई हुई है। लॉबी के राइट तरफ आपको देखने को मिलती है सबसे पहले लैट, जिसका डोर हमने यहाँ से 2.5 फीट का दे दिया है। लैट का साइज़ हमने दिया हुआ है यहाँ पर 5 फीट बाय 3 फीट की हमने लैट बनाई हुई है। लैट के बराबर में आपको देखने को मिलती है बाथ, जिसका डोर हमने यहाँ से 2.5 फीट का दे दिया है। बाथ का साइज़ है हमारा 5 फीट बाय 4 फीट की हमने बाथ बनाई हुई है। और बाथ के बराबर में आपको देखने को मिलती है किचन, इसका डोर हमने यहाँ से 3 फीट का दिया हुआ है। किचन का साइज़ हमने दिया है यहाँ पर 5 फीट बाय 8 फीट की हमने किचन बनाई हुई है। इसी के साथ आपको इसमें देखने को मिलती है एल साइज़ की स्लेब जो कि हमने डाली हुई है, ये हमारी एल साइज़ की स्लेब है। लॉबी के आपको लेफ्ट तरफ देखने को मिलता है ओनली बेडरूम, जिसका डोर हमने यहाँ से दे दिया है। इस बेडरूम का साइज़ हमने दिया हुआ है यहाँ पर 9 फीट 4 इंच बाय 13 फीट 9 इंच की हमने बेडरूम बनाई हुई है। इसी के साथ आपको इस बेडरूम में देखने को मिलता है एक और डोर जो कि आपको टॉयलेट में लेके जाता है। अगर आपकी रिक्वायरमेंट इस स्टोर बनाने की तो आप इसको स्टोर भी बना सकते हैं, वैसे ये टॉयलेट है। ये जो हमने यहाँ पर जगह 3 फीट 7 इंच की हमने खाली छोड़ी हुई है, ये हमने वेंटिलेशन के लिए छोड़ी हुई है। एक विंडो हम यहाँ पर लगा देंगे और दूसरी विंडो हम वेंटिलेशन के लिए यहाँ पर लगा देंगे। इन दोनों विंडो से इस बेडरूम का वेंटिलेशन होता रहेगा। बात करें अगर हम सेकंड बेडरूम की, तो उसके लिए आपको दिया है हमने यहाँ पर 3.5 फीट का दूसरा डोर, यहाँ से हम एंट्री करते हैं। इसी के साथ आपको इस बेडरूम में देखने को मिलता है इसका साइज़ 14 फीट बाय 10 फीट का हमने बेडरूम बनाया हुआ है। वेंटिलेशन के लिए हमने यहाँ पर विंडो लगा दी है 3 फीट की, ताकि यहाँ से इसका फुल वेंटिलेशन होता रहे। अगर आप चाहें तो आप यहाँ से भी एक डोर खोल सकते हैं, ये दोनों की अटैच टॉयलेट बन सकती है। तो 24x36 के प्लान में मैंने आपको सभी कुछ बता दिया है। अगर आपकी रिक्वायरमेंट इससे मैच हो रही है तो आप इससे कुछ आइडियाज़ ले सकते हैं, अदरवाइज़ आप हमसे कॉन्टैक्ट कीजिए। जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी हम आपको फुलफ़िल करके आपको सेंड कर देते हैं। हम आपका नक्शा आपको 48 आवर्स में सेंड कर देते हैं। हमारे यहाँ 3D वगैरह भी बनते हैं, जो आप चाहें आप वो करवा सकते हैं। इंटीरियर वगैरह ऑलमोस्ट सभी कुछ हम आपको बनाकर सेंड कर देते हैं। थैंक यू वेरी मच। हमारा फ़ोन नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप वीडियो के थंबनेल से भी ले सकते हैं और चैनल के अबाउट में से भी आप ले सकते हैं। हमारा स्टाफ आप ही के लिए बैठा हुआ है।